ओके केमिशांडी जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सबसाहुणम नमो लोये सबसाहुणम ऐसो पंचनमुकारो ऐसो पंचनमुकारो सब पाव पनासनो सब पाव पनासनो मंगलानं च सव्वेसिं मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद ओके व्हाट इज द चैलेंजिंग क्वेश्चन टुडे रमेशान जी जय सच्चिदानंद हाँ गंगाधरन जी बोलो पूछो संसार में यदि सुख चाहिए तो अनाधिकार रूप से कुछ ना होगी बराबर है कम बड़ा एक्सप्लेनेशन मतलब व्हाट इज द रेफरेंस प्लीज नंबर नहीं है ओके ओके बट व्हाट वाज द डे ऑन व्हिच इट केम ओ नहीं है मैं सब कलेक्ट करके रखा हूं तो सो दिस इज द ओल्ड वन सो वी डोंट पॉसिबल तो आप दोबारा बोलिए ना जरा संसार में यदि सुख चाहिए तो अनाधिकार रूप से कुछ ना भोगे कुछ भी ना भोगे भोगे गंगाधर जी इसमें आपको क्या जानना है Yeah, I could not understand the meaning of this sentence, basically. Anadhikar. 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 वो अधिकार वाला नहीं है. जैसे आप जॉब करते हैं. जी. तो जॉब करते हैं, तो सिंसियरली काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सिंसियरली करना चाहिए, जरूर. सिंसियरली काम नहीं करेंगे और फिर भी पगार तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा. वो अनधिकार रूप हो गया. ओके समझ गए ने जी फिर वहां काम करते हैं तो कोई चीज लेके आते हैं पेंसिल लेके आते हैं कि वो शार्पनर लेके आते हैं हां हां तो अपना नहीं है वो कंपनी का और कंपनी के काम के लिए है बराबर समझ गए ने तो अपना उसका राइट नहीं है बराबर समझ गए ने जी तो वो अनधिकार बोला जाता है ओके तो वैसे बहुत सी चीज आप अपने आप को जानते नहीं है पर को अपना स्वरूप मानते हैं तो ज्यादा करके अनाधिकार रूप से ही भुगतते हैं सब ओके समझ में आया कि नहीं कहीं भी सिंसियरिटी नहीं होती है कहीं भी मोरालिटी भी नहीं होती है ओके समझ में आने फिर भी ये तो जिसको ज्ञान नहीं मिला है जी और जिसको संसार का सुख चाहिए और संसार में अभी रहना है उसके लिए है जी और अपने तो ज्ञान ले लिया है जी तो संसार का तो सुख नहीं चाहिए कि चाहिए आपको नहीं चाहिए और आपको तो सनातन सुख मिल गया बराबर तो वो सूरज का जो उजाला आपको मिल गया तो बल्ब की और ट्यूबलाइट चलाने की जरूरत है बिल्कुल नहीं बस ऐसा है ये अपना ओके समझ में आ कि नहीं है जी जी बल्ब और ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं है बराबर ये सूरज का प्रकाश आपको मिल गया दरअसल दादा भगवान मिल गया आपको बराबर जो भी भगवान मानते हैं आप कृष्ण मानते हैं राम मानते हैं महावीर मानते हैं जी वो दरअसल आपको मिल गए है तो फुल मून आपका हो गया बराबर समझ गए ने अब फुल मून होने के बावजूद भी आपको दिक्कत पड़ता है तो आपका जो कर्म है एज इट इज रख के आपको ये दिया है ओके तो उस हिसाब से ये आपको अज्ञा और प्रज्ञा का द्वंद रहेगा लेकिन वो जब वो व्यवहार आता है अज्ञा का वो उसके सामने अपने पांच आज्ञा का उपयोग करके उसको न्यूट्रल करने का होता है जी जी अवस्था बदलने की नहीं है बराबर लेकिन दृष्टि आपको सही करने की है उसमें बराबर गंगाधर जी बात समझ में आया कि नहीं आया जी जी अवस्था चेंज करने जाएंगे तो चेंज नहीं होगी नहीं हो सकता
समझ मैंने, और होती है तो आपने ज्ञान का उपयोग किया उस हिसाब से नहीं होती है, उसका आयुष्य कर्म पूरा हो गया और चेंज हो गया बराबर, और उसका आयुष्य पूरा नहीं होता है तो चेंज नहीं होता, लेकिन क्या क्या बोलते है कि चेंज होता है तो ज्ञान में रहा और चेंज नहीं होता है तो ज्ञान में नहीं रहा, नहीं ऐसा नहीं है, वो दोनों भाग पुण्य और पाप के हिसाब से हैं, अपने तो देखने वाले और जानने वाले हैं। गंगा धारण की बात समझ में है कि नहीं है? जी जी। और अभी तो आप, अभी आप संसारी है, जगत की भाषा में संसारी है, लेकिन आपको दादा मिले, दादा का ज्ञान विज्ञान मिले, आप संयमी हो गए। गंगाधरण जी बात समझ में आया कि नहीं आया? बराबर, समाधान हुआ कि नहीं हुआ? एकदम एकदम। और पूछो। और एक वाक्य ऐसा ही आया, जगत का कोई भी शब्द हमें अस्थिर ना करे तो ऐसा कर दे तो ऐसा टेस्ट हो जाना चाहिए, टेस्टेड होना चाहिए, टेस्टेड होना चाहिए। हाँ, टेस्टेड होना चाहिए, बराबर है। तो अभी 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 आपके पास ये अज्ञा और प्रज्ञा का दोनों व्यवहार है जी, तो अज्ञा का उपयोग होगा तो कहने के आप अस्थिर हो गए जी, और ये अज्ञा का उपयोग नहीं होगा और दादा की जो दृष्टि है और उसके बाद वो प्रज्ञा आपको खुली हुई, प्रज्ञा का उपयोग करेगा तो आप स्थिर हो जाएंगे जी। समझ में तो कि जैसे किसी ने आपको अपमान किया, बात समझ में आने, तो गंगाधरण जी अस्थिर हो गए, बात समझ में आया कि नहीं आया? बराबर बराबर। लेकिन आप गंगाधरण जी है कि शुद्धात्मा है? शुद्धात्मा, यानी आप अस्थिर, आप उसके देखने जानने वाले हो गए, यानी आप स्थिर रहे, बराबर। इस तरह का आपको उपयोग करने का है गंगाधरण। ओके ओके, बात समझ में आने जी जी। वो दिखने वाला जो गंगाधरण जी का भाग स्थिर अस्थिर वो चेंज नहीं होगा जी, लेकिन खाली वो गंगाधरण जी को होते और मैं उससे अलग ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, यानी स्थिर हो गए आप, बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? जी जी। और पूछो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक जी, सच्चिदानंद स्वामी जी, सच्चिदानंद अशोक जी, ये है सब एक भाव मन, भाव मन, भाव मन का किसी को पता नहीं चलता, बराबर है। भाव मन ऐसा पता चलता है परंतु वह किस तरह का से काम करता है उसका पता नहीं चलता, बराबर है। बराबर है, ये बताइए सर जरा, बराबर है। वो कहां से, वो कोई सूत्र है के वो कोई आप्तवाणी के इसमें से है? आप्तवाणी में से लिया हुआ है। बराबर है, तो उसमें क्या जानना है आपको, पता करना है कि क्या करना है? भाव मन क्या चीज है, बस ये बताओ मेरे को। तो के ए, 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 अपने उसको एक दृष्टांत से समझाता हूँ। तो के राम ने रावण को मारा के राम थकी राम रावण मरा, राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा उसको भाव मन बोला जाता है। अच्छा, बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी कर्म बंद पड़ता है जी, और राम ने रावण को मारा नहीं लेकिन राम थकी मरा, तो वो मरा यानी पैसिव वॉइस हो गया, और राम ने रावण को मारा वो एक्टिव वॉइस हो गया। अच्छा, समझ में आया ना? तो उससे कर्म बंद पड़ता है, उसको भाव मन बोला जाता है जी। बात समझ में क्या नहीं आया? और अपने अपने ऊपर लेना है तो मेरा नाम अशोक और मैं ही अशोक हूँ और मैं ही करने वाला, उसको भाव मन बोला जाता है। अच्छा, और बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं अशोक जी और बाय रियल पॉइंट से शुद्ध आत्मा और जगत नियंत्रण ऐसी शक्ति है, तो उसको भाव मन नहीं बोला जाता है, समझ गए? द्रव्य मन बोला जाता है, यानी इसमें आप नहीं है जी जी, और उसमें आप है, बिल्कुल बिल्कुल, यानी आत्मा है उसमें, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी हाजिरी है, वो करता नहीं है लेकिन उसकी हाजिरी है, बिल्कुल। अशोक जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? 100% 100% समझ। और पूछो।
मोक्ष में जाने तक व्यवस्थित है, बराबर है, झंझट नहीं करे तो, बराबर है, किंतु झंझट किए बगैर रहता नहीं, बराबर है, इसके बारे में बताओ। देखिए वैसे तो ज्ञान मिलने के बाद झंझट नहीं है, फिर भी झंझट क्यों बोला गया है कि पूरा प्रयोग ज्ञानी पुरुष का था, आपका नहीं था जी, समझ गया ने? तो वो प्रयोग ज्ञानी पुरुष का था, आपका नहीं था, उस हिसाब से आपको सत्संग के जरिए समझेगा तो झंझट निकल जाएगी जी, समझ गया ने? वो जब आपको ज्ञान, वैसे तो दादा पहले ज्ञान देते पहले बहुत समझाते थे जी, उसके बाद ज्ञान देने का था, लेकिन देखा कि भी ये करने का बोलते लेकिन कोई करता नहीं था। दादाजी ने प्लॉट दिया और बोला कि भी ये प्लॉट में आप एक मजला, दूजला, दो मजला ऐसे मकान बनाओ, तीसरे मध्य में मैं आपको मोक्ष दे दूं। जी जी जी। दो चार दिन पांच दिन आए लेकिन सब पावड़े बावड़े छोड़ के फिर भाग गए सब लोग जी। तो पूरा प्रयोग ज्ञानी पुरुष का है, उस हिसाब से कहने के आपका डिस्टर्बन आता है, बात समझ मैंने? तो ये सत्संग के साथ जुड़े रहेंगे और उसमें प्रश्नोत्तरी करेंगे तो उसमें जो प्रश्नोत्तरी में जो खुलासा मिलेगा तो फिर झंझट नहीं रहेगी। बिल्कुल सर। वैसे है नहीं, है नहीं, खाली भ्रांति से भाष्यमान परिणाम है कि है जी, जी। जैसे राजस्थान में कार लेके निकलते है, दूर पानी दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है, लेकिन पानी लेने जाओ तो मिलेगा कि झांझवा का जल जैसा ही है? वैसा ही है, छाया जैसी है। बात समझ में कहनी है? जैसे वो चिड़िया है, दर्पण में चिड़िया को मारती है तो दर्पण वाली चिड़िया मर जाएगी कि जो चोंच मारती है वो मर जाएगी? उसकी चोंच टूट जाएगी। खाली वो भ्रांति है और कुछ नहीं है, है। लेकिन वो समझने के लिए सत्संग आवश्यक बनता है। और अभी आपको जो डिस्टर्बन आता है तो वो बेसिक दिया है, विगत से समझना बाकी है जी। अशोक की बात समझ में आया कि नहीं आया जी? तो ये सत्संग में जो लॉकडाउन में चालू हो गया तो कंटिन्यूस रखना जी। तो वो जितना सत्संग में रहेंगे तो अलग अलग लोग जो प्रश्न पूछेंगे इसमें आपकी बहुत सी गलत समझ है, गलत मान्यता है, गलत सोच है, वो सब निकल जाएगी। बिल्कुल निकल। और जितना व्यवस्थित समझ में आएगा तो फिर वो आपका झंझट बंद हो जाएगा जी। बात समझ में ना? अभी झंझट है, बात समझ में? और स्वामी जी जैसे हमारे द्वारा किसी के प्रति कोई, किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाता है, बराबर है, घर में भी कोई बात हो जाती है तो वो भी क्या व्यवस्थित है? तो के वैसे व्यवस्थित है लेकिन आपको छूटना है कि नहीं छूटना है? छूटना है। छूटना है तो उसको व्यवस्थित नहीं मानना। अच्छा। सामने वाले माने तो बराबर है लेकिन आप तो तुरंत बोला कि मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई जी, समझ गए ने? तो छूट जाएंगे। बिल्कुल पछतावा होता है मेरे को तो। वैसे बोले तो व्यवस्थित ही है लेकिन ये अशोक जी और आप अलग हो गए जी। तो व्यवस्थित जब सामने वाला आपका अपमान करे तब व्यवस्थित बोलना है जी। और आपसे किसी के साथ बुरा व्यवहार हो तो बहुत गलती हो गई मेरे से, गलती हो गई, उसका प्रतिकरण छूटेगा तो फिर झंझट बंद हो जाएगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी। लेकिन आपके व्यवहार करेंगे और बोलेंगे कि व्यवस्थित है तो फिर झंझट चालू रहेगी और वो कैसी चालू रहेगी, कर्म बंद पड़े ऐसी झंझट चालू हो जाएगी जी जी। बात समझ में आया कि नहीं? यानी निपटारा नहीं होगा, निबेड़ा नहीं आएगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपके आप किसी से बुरा व्यवहार होता है तुरंत सॉरी बोल देने का जी। देखो दीपक आनंद जी सत्संग ये सब ये करते हैं, आयोजन करते हैं तो कुछ आवाज देते हैं तो बोलते हैं कि सॉरी सॉरी, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यू टर्न लेते ऐसे बोले तो व्यवस्थित ही है, सभी बोलते हैं सर, सभी लेकिन आपको एब्सोल्यूट होना है, चार गति और 84 लाख योनि में घूमना नहीं है और सभी से मुक्त होना है। तो आपके व्यवहार से गलत होता है तो तुरंत माफी मांग लेने की, आप सही है फिर भी माफी मांग लेने की,
तो फिर छूट जाएंगे, और कोई आपके साथ बुरा करे, बात समझ आने, तो वहां व्यवस्थित यूज करना का, ये व्यवस्थित के हिसाब से हुआ, उसने मेरा अपमान नहीं किया है, तो आपका झंझट बंद हो जाएगा, वो कर्म बंद पड़ने वाली झंझट और कर्म जो भुगतने वाले वो दोनों झंझट से मुक्त हो जाएंगे आप। अशोक जी बात समझ में आया कि नहीं आया? एक सर एक क्वेश्चन है, मेरा लड़का है तो वो बात बात में इतनी जल्दी मतलब गुस्सा हो जाता और फिर बराबर है, थोड़ी देर बाद फिर वो सही हो जाता, सही हो जाता है। हाँ वो तो आपका आपका स्पेस अलग है, आपका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं कुछ नहीं करने का, ये मैंने जवाब दिया ना, आपका स्पेस अलग है, आपका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, उसका अलग है। अच्छा तो एक ही तो हो ही नहीं पाएगा, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो हो नहीं पाएगा, तो यू आर राइट फॉर योर व्यू पॉइंट नॉट बाय फैक्ट। और आगे जाने का तो बाय रिलेटिव उसने व्यू पॉइंट से ये व्यवहार किया, बाय रियल व्यू पॉइंट तो कुछ करता ही नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? और ये एक कर्म के निद्रा करवाने के, आपको एब्सोल्यूट बनाने के लिए ये आपको एक ज्ञान हाजिर रहे, उस हिसाब से वो आपको आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है जी। उस तरह से आप व्यवहार को मूल्यांकन करेंगे तो फिर आप इसमें से बाहर निकल जाएंगे जी। लेकिन सभी के स्पेस अलग है, सभी के द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, तो दोनों सेम नहीं हो पाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सही, वो अलग ही रहेगा। जैसे चाय में चीनी है, चाय की पत्ती सब घुल मिल जाती है, फिर भी उसके स्वाभाविक गुण से वो मिक्स नहीं होता है। बिल्कुल, समझ गए ने? तो वो चाय की पत्ती और चीनी मिल जाती है तो ये एक नहीं होती है, तो फिर ये आपका लड़का और आप ऐसे एक मत कैसे हो पाएंगे? नहीं हो पाए। लेकिन एक मत कैसे हो गया कि बाय रिलेटिव पॉइंट से मेरा लड़का है, बाय रियल पॉइंट से शुद्ध आत्मा है जी। तो वो साइंटिफिकली आपका जो दृष्टि का उपयोग किया तो एक मत हो जाएंगे, उसका परिणाम क्या आएगा? एक मत हो जाएगा, एक ही आवाज आ जाएगी, बाय रिलेटिव ऊपर से मेरा लड़का है और बाय रियल ऊपर से मैं शुद्ध आत्मा हूं, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति क्या, तो एक मत आएगा, फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं बढ़ेगा। और कोई भी व्यवहार करेगा तो उसमें आपको राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा। अशोक की बात समझ में आया कि नहीं आया? वो आपके बच्चे की बात जाने दो, लेकिन आप बच्चे थे और आपके पिताजी थे तो दोनों का मेलजोल रहता था? नहीं रहता। आपके बच्चे जैसे दोनों का द्रव्य क्षेत्र का भाव अलग है, तो ये साइंस समझ लेंगे तो फिर आपकी झंझट कम हो जाएगी और धीरे 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 बंद हो जाएगी। अशोक की बात समझ में आया कि नहीं आया? जय सच्चिदानंद। हाँ और पूछो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक जी जो आपने पहले बताया ना वो मोक्ष आने तक का व्यवस्थित है, वो जरा दोहराइए ना फिर से। एक मिनट। मैन आप तैयार है प्रश्न के साथ? कहां से पूछ रहा था? हाँ बोलिए। अभी मिल नहीं रहा, मैं बता दूंगा। ठीक है ठीक है। सुबीर जी पूछो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये सर ऐसे निश्चय व्यवहार चरण विधि में एक लाइन आता है, हूं अगुरु लघु सवबारचु, इसमें बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ वो हमारा गुरुतम पद हुआ, और लघुतम में हमारा मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सुबीर हूँ। लघुतम जो पद है वो मतलब कैसे अपने को मालूम पड़ता है, वो लघु है, व्यवहार में लघुतम कैसे बता सकते हैं?
व्यवहार से सामने ये आपको ये दादा के ज्ञान को ज्ञान समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, ये दादा की पांच आज्ञा समझ में आई कि नहीं आई सुबीर जी? हाँ हाँ, पांच आज्ञा समझ में आई गई तो कोई भी आपको आपका इंसल्ट करेगा तो उसमें क्या होगा? पहले जैसे व्यवहार करते ऐसे करेगा कि चेंज होगा व्यवहार में? हाँ, चेंज होगा। सामने वाले को शुद्ध आत्मा देखेंगे और उनका दोष नहीं दिखेंगे, निमित निर्दोष देखेंगे। तो वो चेंज होता है, तो ये चेंज होता है तो क्यों चेंज हुआ कि दादा की दृष्टि का उपयोग किया, यानी जो सुबीर जी गुरु हो गए थे वो लघु हो गए। अच्छा अच्छा। और जैसे ही सुबीर जी लघु हुए तो नेचुरली जो जो आत्मा लघु था वो गुरु बन गया। बराबर। तो आत्मा गुरु और रिलेटिव जो है फाइल जो है नंबर वन वो लघु, ये अपना ज्ञान विधि के बाद और दादा की पांच आज्ञा व्यवहार मतलब उपयोग में लाने के बाद ये दशा प्राप्ति होता है, राइट? बराबर है। अच्छा, बस वही जानने का था। अभी ये तो एक व्यवहार से, फिर कर्ता कौन है सुबीर जी? व्यवस्थित करता है ये दीपक आनंद जी नहीं है कर्ता? नहीं नहीं नहीं, पांच छह महीने से ये सब करते हैं, सत्संग करते हैं, ये नैमित्तिक करता है। वो बोलेंगे तो फिर उसको तो बुरा लग जाएगा। नहीं, वो दीपक जी भी क्या बोलते ज्ञान में है, दादाजी के ज्ञान में। बराबर है। तो ये व्यवस्थित शक्ति करता आपने बोला ने? हाँ। तो ये सुबीर जी लघु हो गए, राइट? समझ में आने? और मैं करता हूँ, आप करते और वे करते हैं, तो सुबीर जी गुरु हो गए। बराबर बराबर। तो आपकी रॉन्ग बिलीफ चली गई, यानी सुबीर जी लघु हो गए और शुद्ध आत्मा गुरु हो गए। समझ में आने? अब व्यवहार तो बनेगा, सुबीर जी भी है और आत्मा भी है, और आत्मा और सुबीर जी है। जहां तक आपका जो ईगो है, राइट, वो सम्यक नहीं होगा या विलय नहीं होगा, वहां तक ये गुरु लघु का रहेगा और इस तरह से आपका उपयोग रहेगा पांच आज्ञा की दृष्टि के हिसाब से, राइट? तो तरह गुरु लघु हो जाएगा। बराबर बराबर। देखने वाले जानने वाले हो जाएंगे, राइट राइट। तो व्यवस्थित शक्ति करता है, राइट? उदय में आपको व्यवस्थित शक्ति करता है ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी दृष्टि फिट हो गई कि करने वाला व्यवस्थित करने वाला है, मैं नहीं करने वाला हूँ, आप नहीं करने वाले और वे करने वाले नहीं है, तो उसको सुबीर जी लघु हो गए और जो भीतर तत्व है वो गुरु हो गए। मतलब लौकिक भाषा में, हाँ, लौकिक भाषा में जैसा बोलते हैं ना व्यवहार में लघुतम मीन्स विनय रखने का, धीरे बोलने का, वो सब वो लघुतम मतलब लौकिक भाषा हो गया, लौकिक भाषा हो गई। और यहाँ व्यवस्थित शक्ति करने वाला है, दरअसल अलौकिक भाषा हो गई, दादा की भाषा हो गई, वितरागो की भाषा हो गई, राइट राइट राइट। मैंने फिर कोई आपका अपमान करे तो सामने वाले की गलती दिखती है कि आपकी गलती दिखती है? नहीं, मैं खुद की गलती देखने का ना, तो खुद देखने का नहीं, आप दिखते किसकी दिखते है? सामने वाले दिखते ही हैं, दिखते हैं खुद खुद की, सामने वाले की गलती नहीं देखती है, खुद की दिखती है, तो आप लघु हो गए। बराबर बराबर। और जैसे आप लघु हो गए भाई, डिफॉल्ट आत्मा गुरु हो गया। बराबर बराबर। है ना, पूरी एंट्री उल्टी हो गई कि सामने वाला निमित निर्दोष शुद्ध दिखते है और खुद की गलती दिखते है, यानी आप लघु हो गए। राइट राइट राइट। समझ में आने? जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति करने वाला है वो आपको प्रिंसिपल सिद्धांत समझ में आ गया, यानी लघु हो गए। बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं सुबीर जी ही हूँ और बाय रियल पॉइंट से मैं शुद्धात्मा ही हूँ, तो लघु हो गए। बराबर। समझ में आ कि नहीं आया? ये जो व्यवस्थित शक्ति आपने जैसे जैसे अपने को समझ में आए और उसमें मतलब दादाजी के पांच आज्ञा में रह सकते, उतना उतना उसका उसका जो परिणाम के हिसाब से हमारा में क्या चेंजेस दिखेगा, मतलब यर्डस्टिक क्या होएगा जब हम ज्ञान में रह पाते और व्यवस्थित शक्ति व्यवस्थित शक्ति समझ में आवे ने तो आपको पूरा परिवर्तन दिखेगा। खाली अभी खाली इमेजिंग करेंगे ने, जैसे आप क्या पढ़े हैं सुबीर जी? मैं तो मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, टेक्सटाइल पढ़ा हुआ है मूल तो। हाँ, यानी साइंस के स्टूडेंट है ने टेक्निकली। हाँ हाँ हाँ।
तो ये पांच आज्ञा का खाली खाली इमेज करो कि मान लो कि ये मैं ये आग्ने में हूं राइट, तो भी आपको इतना आनंद आएगा। लेकिन अभी आपके पास अग्नि और प्रज्ञा दोनों हैं, उस हिसाब से आपको आनंद नहीं आता है, द्विधा रहता है, समझ गए ना। लेकिन टेक्निकली आदमी है तो खाली वो आपको वो मूल्यांकन करेंगे, वो पेपर पे उसका वर्कआउट करेंगे, तो उससे भी आपको बहुत आनंद आएगा। राइट राइट राइट, दरअसल अभी चरितार्थ नहीं हुआ है लेकिन फिर भी आनंद आएगा। राइट राइट, क्या बताइए। सो आनंद बात बताई दादाजी ने, क्या बात बताई। हाँ बोलिए दादाजी ने क्या बात बताई, वो समझ गई कि कितने सारे एविडेंसेस इकट्ठे होते हैं तब चाय बनती है। राइट, कितने सारे एविडेंसेस इकट्ठे होते हैं तब कोई मेरा अपमान कर सकता है। राइट, तो बाय डिफॉल्ट ही आप उसको निमित निर्दोष देखने का चालू हो जाएगा। राइट, अब ये इमेजिंग है, वर्तमान में नहीं आएगा आपका। राइट, तो उससे आपका निश्चय बढ़ेगा कि व्यवस्थित शक्ति ही करने वाला है। राइट, परिणाम आपको दरअसल प्रैक्टिकल में भी आ जाएगा। रिलेटिव पॉइंट से मैं सुबीर जी हूँ, समझ मैंने, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति के तो वो तुरंत परिणाम में आएगा। राइट राइट, बहुत से स्वाध्याय सत्संग आवश्यक बनते हैं। बराबर, वो स्वाध्याय सत्संग का कंटिन्यूटी बनेगा तो पांच आज्ञा समझ में आएगी, और पांच आज्ञा समझ में आएगी तो वो आपका जो 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 कॉन्फिडेंस वाली लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज आपकी, दरअसल चारित्र मोह वाली लैंग्वेज बन जाएगी, दर्शन मोह वाली लैंग्वेज नहीं बनेगी। बराबर, अभी प्रश्नोत्तरी के रूप में देखे ना तो दर्शन मोह वाली स्पीच आती है, लैंग्वेज बनती है। बराबर, तो जैसे जैसे सत्संग का आपका संयोग बनेगा और ऐसे 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 पांच आज्ञा समझ में आएगा तो चारित्र मोह वाली लैंग्वेज बन जाएगी और दर्शन मोह वाली लैंग्वेज उड़ जाएगी। बराबर, समझ गए ना, अभी दोनों मिक्सचर है, दर्शन मोह वाली लैंग्वेज और चारित्र मोह वाली लैंग्वेज। बराबर, लेकिन ये अपने अपने को देखो, ये पांच छह महीना हुआ ये 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 लॉकडाउन का, ये तो देखो बहुत सी लैंग्वेज आपकी चेंज ही हो गई होगी। बहुत से व्यवहार में दर्शन मोह वाली स्पीच थी वो निकल गई और चारित्र मोह वाली स्पीच हो गई। राइट राइट, सुबीर जी क्या बोलते हैं। एक वरदान साबित हुआ कोरोना का, वरदान साबित हुआ। वो ए, 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 समझाने बहुत समझाने का कोशिश करते कि सत्संग का महत्व, सत्संग यानी अपने घर जाने का है, और सत्संग नहीं है तो घर में से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आता था, तो कुदरत ने आपको पकड़ में ले लिया। राइट राइट, और वैसे था भी कि मेरे को सत्संग में ही जाना है, लेकिन कुदरत ने पकड़ में लिया तो पक्का हो गया, तो सत्संग का भीड़ रहा तो ये आपका जो चारित्र मोह वाली लैंग्वेज खुली हो गई, दर्शन मोह वाली लैंग्वेज आपकी कम हो गई। राइट राइट राइट, यानी पैसिव वॉइस वाला मन वचन का व्यवहार हो गया, एक्टिव वॉइस वाला मन वचन का व्यवहार उड़ गया। बराबर बराबर, सुबीर जी बात समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, ये जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक हम बात करते बार बार, जी हमारे लिए वरदान साबित हुआ। ये मैं एक एक्सपीरियंस भी डाल रहा हूँ इसके सामने। ये हम महात्मा भी खाली ऐसा नहीं सोचते, बाहर के लोगों में भी सोचते हैं। मैं कुछ दिन पहले एक होम्योपैथी डॉक्टर को मिला था, तो वो एक नॉर्मली है, मतलब हमारा महात्मा भाई ऐसा नहीं, नॉर्मल जो जैसा क्या बोलता है आध्यात्मिक करता है वही करता है। तो उन्होंने सामने से ऐसा बोला, देखो ये हम जैसे बात करते हैं ना, जे कोरोना हमारे लिए वरदान साबित हुआ, हमारे लिए ऐसा हुआ, तो वो खुद ही सामने से बोलने लगा, देखो आप कोरोना वायरस के हिसाब से हम बाहर नहीं निकलते, बाहर में हम इधर उधर घूमने नहीं जाते, जिसमें हमारा मतलब आंखों का जो बोलते हैं दुरुपयोग होता है, और एक इतना सारे वो ज्ञान की बात बोल दिया। मैंने तो बोले दादा को मिला नहीं, दादा को ज्ञान भी मात प्राप्त नहीं हुआ। फिर बोलते हम बाहर जाते थे, खाना खाते थे, आप देखो तो कोई भी जगह पे आप खाना खाने जाओगे तो उनका रसोई में जाके देखना, किचन में जाके देखना, तो आपको लाइफ में कोई दिन खाने को दिल नहीं होगा। इसी जगह पे हम खाना खाते थे और खाना खाने के बाद हम बीमार पड़ते थे, डॉक्टरों के खुद बोलते थे अभी बीमार है, एक साथ देखने जाएगा तो नॉर्मल बीमार पहले से कम हुआ। तो मेरा कहना है ये ओवरऑल एक्चुअली इसका इफेक्ट आया, सबके ऊपर आया, खाली हमारे ऊपर आया, सबके ऊपर आया।
लेकिन अभी 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 ये कोरोना का हिसाब से ये इसमें आया है, लेकिन डर के माने आया है। हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग के मारे नहीं आया। अंडरस्टैंडिंग के मारे आ जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। राइट तो लॉन्ग लास्टिंग कोरोना का डर निकल जाएगा तो फिर बेफाम हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग के साथ होएगा तो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। लॉन्ग लास्टिंग एब्सोल्यूट हो जाएगा। सुबीर जी बात समझ गए ना। उस हिसाब से क्रमिक में आपको डर से ही धर्म करवाते हैं। ये नहीं करेगा तो पाप लगेगा, ये नहीं करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। राइट। डर के मारे ये धर्म में आए हैं और ये सब करते हैं। राइट। वैक्सीन का वो डेवलपमेंट होगा और आएगा, फिर बेफाम चालू हो जाएगा, सब चालू हो जाएगा बाहर। और अपने यहाँ सत्संग के जरिए आपके अंडरस्टैंडिंग सही कर देते हैं। राइट। तो डर के मारे नहीं, अपना खुद का घर में आते हैं। राइट। अंडरस्टैंडिंग के साथ से अपने खो गए थे, अपने आपको भूल गए थे, खो गए थे अपने आपको, तो अपने आप में आ जाएगा, अपने घर में आ जाएगा, तो फिर आपको ये डरने की जरूरत नहीं रहेगी। राइट। डर के फिर धर्म के आराधना करने के नहीं आया, वो तो रिलेटिव धर्म हुआ। नहीं, तो व्यवहार में बहुत सी चीज है, लेकिन कहने के देह का धर्म का आराधना नहीं होता है। बारिश बारिश में बारिश आती है तो छत के नीचे चले जाते ने। तो रिलेटिव भाग हुआ। राइट। ठंडी के बारे ठंडी होती है तो गर्म कपड़े के पास चले जाते हैं, रिलेटिव हुआ। तो कोरोना का कहने के रिलेटिव बेनिफिट लेगा, लेकिन अपने तो एब्सोल्यूट बेनिफिट लेना है। राइट। जो भी चेंजेस हुआ वो भी उनके लिए रिलेटिव ही हुआ, मतलब टेम्पररी होगा। वो अपने आप को जानेंगे, अपने आप को जानेंगे, और फिर अपने आप को जानने के बाद पर को जानेंगे, ले सुबीर जो को भी जानेंगे, जयमीर जी को जानेंगे, और लाइन ऑफ डिमार्केशन बनेगी, तो फिर दिक्कत। राइट। अभी लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है। राइट। बस समझ गए। यानी वो धर्म करता है देह को बचाने के लिए। राइट। समझ मैंने, लेकिन वो तो विनाशी है। राइट। वो स्वच्छता रखेगा तो भी उसका मृत्यु है, और स्वच्छता नहीं रखेगा तो भी मृत्यु है। राइट। और स्वच्छता कहाँ रखनी है? आई और माई का सेपरेटेशन करो, वहां स्वच्छता है। राइट। लेकिन आई और माई इकट्ठा हो गया तो वहां अशुद्धि हो गई, जबरदस्त लंडस हो गई। राइट। भौरव खड़ा हो गया। राइट। सुबीर जी बात समझ में आया कि नहीं आया? भौरव से अपने दादा ने मुक्त करवाया। राइट। तो अभी रोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो तो रोग यानी कर्म फल हुआ। और भाव रोग यानी कर्म वो बोला जाएगा। राइट। समझ मैंने। दादाजी ने तो आपका भाव रोग उड़ाड़ दिया, तो भी ये तो अपने को डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। राइट। तो अपने धर्म करते भाई के हिसाब से नहीं, अपने ये हो कि नहीं हुआ फिर भी अपने को अपने स्वरूप में रहते हैं। जी समझ में आया कि नहीं आया? जब तक भय लगता है उसका मतलब हम ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में नहीं है, मैं ये समझता हूँ, मेरा खुद का मानना है। बराबर है। वो भय क्यों है? वो पर धर्म को खुद का धर्म मानता है, उस हिसाब से भय है। राइट। समझ में आया? और अभी अभी आपको आपके स्वधर्म में आया कि पर धर्म में आया? स्वधर्म में। फिर डर कहाँ रहा? राइट। रोग भी नहीं होता है और भव रोग भी नहीं होता है, और पूर्व का जो है वो फल आता है। पांच आज्ञा के दृष्टि से उसका निपटारा करने का, निकाल करने का, और कुछ करने का। राइट। भय लगता है तो वो देह का धर्म है, यानी देह को आत्म धर्म माना है। राइट। ये तो रिलेटिव धर्म की अभी आराधना करता है, फिर भी अच्छा है। कहने का इतना भाव तो चेंज होता है ना, एक घंटे तक रहता है तो मनुष्य अवतार उसका सफल होता है। राइट। एक सामायिक हुआ ना, हाँ। तो उस हिसाब से भी ऊर्ध्व गति होता है, लेकिन वो अहंकार को ही पोषण देता है, और अपने अहंकार को पोषण नहीं देता, वो विलय हो जाता है। राइट। अपने तो भय नहीं होता है, शंका नहीं होती, आकुरता व्याकुरता नहीं होता, चिंता भी नहीं होती है कि होती है नहीं होती है। समाधान हुआ कि नहीं हुआ?
नहीं नहीं बराबर 100% और पूछो। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती। यस बोलिए। अनम्यूट करने का यस यस। जय सच्चिदानंद डॉक्टर भारती जी। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। आई वांट सरेंडर। जय सच्चिदानंद। हां बोलो। सरेंडर के बारे में बताना। क्या बोलते हैं? सरेंडर 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 टू योर आत्मा और टू योर गुरु। समर्पण। हां समर्पण। समर्पणता। हां समर्पण। आप समर्पण को क्या समझते हैं भारती जी? आप समर्पण को क्या समझते हैं भारती जी? नहीं आता इसलिए आपको बता पूछ रहे। तो के ये जगत के करने वाले आप हैं? नहीं भारती जी ये जगत के करने वाले आप हैं? नहीं है। आप तो भगवान हैं? नहीं व्यवस्थित शक्ति करता है। व्यवस्थित शक्ति करता है। आप करता नहीं और भगवान भी करता नहीं है। कोई भी करने वाला नहीं है। इसको समर्पण बोलते हैं। यानी बैलेंस हो गया। समर्पण हो गया बैलेंस। ओके आप करने वाले बनेंगे या भगवान को करने वाले है तो उसको दरअसल समर्पण नहीं बोला जाएगा। अच्छा भारती जी बात समझ में आया कि नहीं आया? Your voice is breaking. Your voice is breaking. एग्जांपल दीजिए। Your voice is breaking. Move. हमने स्पेस बदला वाला अलग से। Okay. I have changed the place. Okay, अभी आ रहा है बोलिए। हाँ बोलो। नहीं I want any example. कुछ example दे सकते आप? नहीं मैंने ये ऐसा एग्जांपल कभी भी नहीं मिलेगा। आप समर्पण की बात क्रियाओं के जरिए जानना चाहते हैं। नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा ओके। H2O और वातावरण इकट्ठा होता है तो कोका कोला बनता है कि पेप्सी बनता है? नहीं कोका कोला पेप्सी नहीं बनेगा। पानी तो क्या बनेगा? पानी 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 बनेगा। तो हाँ। ये मैंने दृष्टांत दिया वो क्या सूचित करता है भारती जी? ओके व्यवस्थित शक्ति करता है मानने से वो सरेंडर हो गया। जगत में कोई करने वाला नहीं है। वैज्ञानिक शक्ति है। अच्छा साइंटिफिक एविडेंसेस यानी आपके भीतर यानी बिलीफ और बिहेवियर में ये समझ में आ गया। ये जगत के करने वाला साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है यानी समर्पण हो गया। अच्छा ठीक है। और चारित्र मोह के बारे में बताइए। आप बहुत बार चारित्र मोह का यूज करें आज। बराबर है। तो कि चारित्र मोह यानी इसमें आप नहीं हैं। करते फिर भी आप करते नहीं हैं। उसको चारित्र मोह बोला जाता है। बोलते हैं फिर भी मौन हैं। और आप खाना खाते हैं फिर भी आप उपवासी हैं। वो कैसा चारित्र मोह बोला जाएगा? वो कैसा है समझ में नहीं आया। तो क्या इसमें आप नहीं है? पहले ऐसी मान्यता थी मेरा नाम भारती जी और मैं ही भारती जी हूँ। इसको दर्शन मोह बोला जाता था। अच्छा अच्छा उसको उसको एक दृष्टांत से समझना है। दादा भगवान का दृष्टांत है। तो क्या टंकी में पानी भरता है और खाली होता है यानी उपयोग होता है या तो एक साइकिल बनती है उसको दर्शन मोह बोला जाता है। अभी टंकी में पानी भरने का जो भाग था वो डिस्कनेक्ट कर दिया उसका पाइप का कनेक्शन काट दिया और अभी खाली टंकी में पानी पड़ा है उसको चारित्र मोह बोला जाता है। भरा हुआ माल बोला जाता है। अच्छा अच्छा इसमें नया पानी भरता नहीं है। भरा हुआ माल निकलता है उसको चारित्र मोह बोला जाता है। अच्छा अच्छा भारती जी बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। That is discharge of past karmas. हाँ इसमें आप नहीं हैं।
जो एक चेन बनती थी, चार्ज और डिस्चार्ज और डिस्चार्ज और चार्ज जो बनती थी, वो चेन टूट गई। अच्छा, टंकी में पानी भरा हुआ वही निकलता है, उसको चारित्रमो बोला जाता है। और टंकी में पानी भरते हैं और खाली होता है, खाली होता है भरते हैं, तो उसको दर्शन मो बोला जाता है। अच्छा अच्छा, ओके। तो दादाजी ने वो पानी जो भरते थे टंकी में, वो कनेक्शन डिसकनेक्ट कर दिया। अच्छा, तो अभी खाली जो टंकी में भरा हुआ पानी है वही निकलता है, उसको चारित्र मोह बोला जाता है, उसमें आप नहीं है। ओके, दिखेगा सही कि आप है लेकिन उसमें आप नहीं है। जो जो कर्म बंध पड़ता है ऐसा ही आपका व्यवहार बनेगा लेकिन आप नहीं है। अच्छा, बात समझ में कि नहीं आया? या जैसे सिनेमा में आपको ड्रामा करने का आता है, तो ड्रामा तो 3 घंटे का होता है, कायम का होता है? ड्रामा तो 3 घंटे का रहता, नहीं तो 1 घंटे का। हाँ, जो भी 1 घंटे का, 3 घंटे का, जो भी जिस तरह का उसका टाइम किया है, स्टोरी कैसी है, इस हिसाब से। तो वो 3 घंटे का, 1 घंटे का ड्रामा है, लेकिन आपको मालूम है कि एक घंटे का ही मेरा रोल है और दरअसल आप कौन है वो भी आपको मालूम है। या इसको चारित्र मोह बोला जाता है। अच्छा, तो दादा भगवान ने आपको ज्ञान दिया और लाइन ऑफ डिमार्केशन दे दी, बाय रिलेटिव पर्सन में भारतीय जीव, बाय रियल पर्सन में शुद्धात्मा, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला है। तो पूरा व्यवहार आपका ड्रामेटिकली हो गया, यानी चारित्र मोह वाला हो गया। हाँ, तो ये अपने कलाकारों में बोलते हैं चरित्र अभिनेता बोलते, अभी चरित्र अभिनेता हो गया, यानी उसमें कर्म बंध नहीं पड़ता है। अच्छा, ओके, ये ड्रामा हो गया पूरा। भारती जी, समझ में आया कि नहीं आया? या, समझ में आया। हाँ, और पूछो। अभी कभी अपने को कुछ दुख होता तो कभी कभी नेगेटिव भी आ जाता ना माइंड में, कोई अननेसेसरी कुछ बोला या कुछ करा, तो फिर भी अपने को कर्म नहीं बनता क्या? कर्म बने, आपसे किसी को दुख होता भी नहीं बनता है, खाली उसका प्रायश्चित कर लेने का होता है। अच्छा अच्छा, समझ में आने। लेकिन चारित्र मोह है, लेकिन सामने वालों को दुख होता है और आपको एब्सोल्यूट होना है, आपको जो दादा ने ज्ञान लिया है वो आत्मे से निकल नहीं जावे, उस हिसाब से उसका प्रतिक्रमण प्रायश्चित कर लेने का। अच्छा अच्छा, वो नेगेटिव भाव आने का नहीं है, फिर भी आया है, प्रतिक्रमण कर ले। सामने वाला अंगूर निर्देश करता है, तो आपको दादा भगवान का ज्ञान आपको चला नहीं जावे, उस हिसाब से प्रायश्चित पछतावा कर लेने का। अच्छा, दादा भगवान का ज्ञान आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा लगता है, वो इजी है फॉलो करना। और ये वो दादा भगवान का ज्ञान वो आधा अधूरा है कि एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट है, दूसरे फॉलो करना बोले तो पहले सब हम पढ़ते थे, किताब पढ़ते थे और लैगोस में जो कुछ आए, कोई भी आए, अटेंड भी करते थे, सब लोग बोलते कुछ भी नेगेटिव टेंडेंसी नहीं रहना, गुस्सा नहीं आना, ये नहीं रहना, वो नहीं रहना, मगर गुस्सा आते रहता कभी कभी, ऐसा था। बराबर है। तो ये दादाजी ने आपका गुस्सा आपका बंद नहीं करवाया, लेकिन जो जिस आधार से गुस्सा होता था वो निकाल दिया। या समझ में आने? समझ। तो अभी अभी एक गुस्सा है लेकिन वो मरा हुआ बोला जाता है, इसको चारित्र मोह बोला जाता है। तो इस हिसाब से आपको फिर भी आपका जो ज्ञान एब्सोल्यूट है और आपको दादा का ज्ञान एब्सोल्यूट लगता है, तो वो आपका चला न जावे, उस हिसाब से सामने वाले की माफी मांग लेने की, गुस्सा आ गया या किसी के बारे में नेगेटिव हो गया तो प्रायश्चित पछतावा कर देने का। अच्छा, जैसे घर में मेहमान आता है तो चाय पानी करवाते हैं, तो टेबल के ऊपर दाग पड़ता है कि नहीं पड़ता है? दाग पड़ता। हाँ, तो पोचे से उसको साफ कर देते कि नहीं कर देते हैं? बस उतना करने का और कुछ नहीं करने का, बस। अच्छा, उतना ही करने का, उससे ज्यादा कुछ नहीं करने का। ओके ओके, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद भारती जी। जय सच्चिदानंद। ओके अशोक जी, अशोक जी अनम्यूट करें।
वो है सर जीव व्यवहार राशि में से अव्यवहार राशि में आता है तो मोक्ष में जाने तक अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आता है, अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आता है, अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आता है तो मोक्ष में जाने तक व्यवस्थित है, बराबर है, झंझट नहीं करे तो बराबर है, किंतु झंझट किए बगैर रहता नहीं, ये है ओके। ऐसा सूत्र है, दीपक कर्ण जी वो बोलते है ऐसा सूत्र है। ओके 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 जय सच्चिदानंद। अमित जी हॉलीडे आज दशहरा है। जय सच्चिदानंद साहेब बोलो। स्वामी जी दादाजी के साथ अभी जैसे हमने पर्युषण मनाए, नवरात्रि मनाई, अभी दशहरा कैसे मनाए ये भी बता दीजिए। तो पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, समझ में आने, और ग्यारवा मन है जी, समझ में आने, उसको अपने को खोराक नहीं देने का जी, समझ में आने है? तो उस तरह से आप उपवास करेंगे तो आपका दशहरा सही हो जाएगा आपका जी, समझ में आया कि नहीं? क्या कि जैसे रावण के बारे में हमने जैसे सुना है कि वो तीर्थंकर बनने वाले हैं, बराबर है, और पूरे जगत में जैसे उनके लिए जैसे जलाने का और वो सब होता है, तो जैसे मन में थोड़ा दुख भी होता है कि मतलब ये लोग ऐसा क्यों करते हैं ऐसा करके, बराबर है, उसको कैसे सेट करें? तो के आपको दुख क्यों होता है रावण का पुतला जला देते हैं? वो यही ध्यान में रहता है कि भाई वो तीर्थंकर बनने वाले हैं तो उनके साथ ऐसा करेंगे तो कर्मों का बंधन होगा। आप जैन हैं? जी हाँ, बराबर है। तो के बात बराबर, लेकिन अभी अभी आपने ज्ञान लिया है कि नहीं लिया है? ज्ञान लिया बस। तो अभी आप जैन नहीं, आप शुद्धात्मा है। बिल्कुल बिल्कुल शुद्धात्मा। तो यहाँ जैन दृष्टि यूज करेगा तो आपको गलत दिखाई देगा और फिर आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आप शुद्धात्मा है, समझ में आने, तो वो ज्ञेय है और आप ज्ञाता है, वो दृश्य और आप दृष्टा है। आपको अपना देखने का है, औरों को नहीं देखने का है। सही बात। किसी ने आपको ठेका दिया है? क्या नाम है आपका? विनीता। विनीता जी, किसी ने आपको ठेका दिया कि भी ये रावण का पुतला जला हुआ तो नहीं जला हुआ है, ऐसा ठेका दिया है? नहीं दिया स्वामी जी। तो ये 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 ये, ये बहुत अतिक्रमण, बहुत भारी अतिक्रमण बोला जाएगा। आप दूसरे का दूसरे की गलतियां देखेंगे तो आप अपनी गलतियां देखना बंद हो जाएगा। सही बात। और अपनी आप अपनी गलतियां देखेंगे, समझ में आने, तो आप सही हो जाएगा, तो फिर आपकी आपकी हाजिरी में आपकी विद्यता तुम्हारे आप हो गई तो उसमें आपको ये ऐसा नहीं होगा। बराबर। तीर्थंकरों की हाजिरी में ऐसा नहीं होता है, युद्ध नहीं होता है, रोग चारा बीमारी कुछ नहीं होती, कितने एरिया में ऐसा नहीं होता है जी। तो आप अपना देखो और दूसरा कुछ गलत कर रहे है और फिर आपको असर होता है तो आपके भीतर है और उसके भीतर जो भगवान है उसको प्रार्थना करना कि उसको सद्बुद्धि दो, समझ में आने, सद व्यवहार दो जी, समझ में आने, ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन उसको गलत नहीं देख सकते। विनीता जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? जी बहुत बहुत अच्छे से। और आप जैन नहीं, अभी अभी शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा है जी, समझ में आने, वो मत वो गच्छ मत और संप्रदाय से परे हो गए आप, बिल्कुल एकांतिक नहीं, आप अनेकांत हो गए। सही बात है सर, समझ में आने, वो अनेकांत में आपको सापेक्ष और निरपेक्ष दृष्टि देखेंगे तो कोई गलत नहीं है। सही बात। लेकिन वो गत मत और संप्रदाय की दृष्टि से देखेंगे, एकांतिक दृष्टि से, तो सभी गलत दिखेंगे, आपके अलावा सारा जगत गलत दिखेगा। सही बात। विनीता जी, बात समझ में आया कि नहीं है? जी आया। भाई रिलेटिव पॉइंट से आप जैन है, बाकी भाई रियल पॉइंट से शुद्धात्मा, यानी वो तत्व दृष्टि वाले हो गए। बराबर। तो हर अवस्थाओं में हर व्यवहार में तत्व निकालना है जी, समझ में आने जी, तत्व नहीं निकालना है। सही बात।
जैसे गुलाब होता है तो खाली गुलाब होता है कि उसके आगे पीछे कांटा भी होता है, कांटे भी होते हैं स्वामी। तो गुलाब आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो गुलाब लेने जाते तो संभल के निकालते हैं कि कांटे के बारे में बुरा बोलते हैं? संभाल के निकालते, संभाल के निकालते। बात समझ में कि नहीं आया? तो वहां आपको वहां संभालते हैं लेकिन दूसरी जगह पे संभालते नहीं है, गलतियां दिखती है, अच्छा नहीं दिखते हैं। सही बात है। दादाजी तो कैसे थे जी? ऐसे बहुत से लोग व्यवहार के लोग दादाजी के पास आते थे तो बहुत से प्रश्न खड़े होते थे। तो व्यवहार के प्रश्न होते हैं, पारिवारिक प्रश्न होते हैं, सामाजिक प्रश्न होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया जी? तो बोलते कि भाई ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ये मेरा बात नहीं सुनता, ये नहीं सुनता है। तो दादा फिर जवाब देते थे कि सतयुग में जीव कैसे थे, कि खेतर जैसे होते थे, यानी घर में एक गुलाब है तो हजारों माइल तक गुलाब ही देते हैं। लेकिन अभी सतयुग नहीं है, कलयुग है, तो कलयुग में जीव जीव कैसा है? बगीचा जैसा है। कभी 10x10 की जगह है लेकिन कितने अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। सही। तो दादाजी देखो ये बुरा व्यवहारों में भी पॉजिटिव देखते हैं। सही। और दूसरा बोलते हैं कि भाई ये तो बैंड है, अब बैंड में खाली पिपुड़ी वाली होता है, पिपुड़ा वाला होता है, तो ड्रम वाले होते हैं बैंड में, सभी होते हैं सभी। देखो बोलो ये तत्व दृष्टि, ये वितरक दृष्टि हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप जैन नहीं, आप शुद्धात्मा है, यानी आप वितरक हो गए, तो अपने वो दृष्टि का उपयोग करना, तो फिर आपको ये गलत या दोष दिखने का नहीं आएगा। और जैसे ही आप सही हो गए तो आप सही हो गए तो जगत सही हो जाएगा। लेकिन आप अपना स्थान छोड़े गए तो जगत सही करने जाएगा तो नहीं होगा, लेकिन आप बिगड़ जाएंगे। और आप सही हो जाएंगे तो जगत सही हो जाएगा जी। उस हिसाब से हमारे गुजराती में कहावत है कि तू सुधरे तो आपको जगत सुधरू, यानी आप सुधरे तो सब सारा जगत सुधर गया। विनीता जी बात समझ में आया कि नहीं आया जी? बराबर समझ में आया स्वामी। ते हाथ जोड़ते है कि मेरे से डरते है कि क्या है? ऐसी आदत है स्वामी। ये जैनों का हमको भी महाराज साहब ये पाठशाला में सिखाते थे। मैं भी जैन हूँ, श्वेतांबर जैन हूँ जी। तो कहीं भी बात करने के तो साधु महाराज यहाँ बड़े जो है तो हाथ जोड़ के बात करने के थी, और जो शुरुआत में ऐसे बोलो ऐसे नहीं बोलना पड़ता था, साहेब जी प्रकाशो जी बोलो, ऐसा तो दोष बोला जाता है प्रकाशो। और जैसे वो व्याख्यान चालू करे तो जैसे चालू करे तो अटेंड करते थे जी, दूसरा दूसरी कोई बात बोलते तो जी बोलते थे, करते करते एक कंक्लूड निकलता था, तो जैसे वो कंक्लूड निकलता था तो हम बोलते थे प्रमाण प्रमाण, बस उसके बाद हमको कुछ नहीं करना पड़ता, वो रूप अपने आप हो जाते हैं। सही बात। पाठशाला में हमको ये सिखाते थे जी। पंडित थे और साधु थे वो हमको सिखाते थे ऐसे, तो मेरे को लगा कि भी ये हाथ जोड़ के बात करते हैं जी। मैं तो आप सब में दादाजी के दर्शन करती हूँ तो मेरे को बहुत आनंद आता है कि मैं मतलब विनय से आपके पास ही बैठी रहूं ऐसे, इसलिए मेरी आदत है। हमारे पास बैठे लेकिन वो बगल वाले हैं ना वो बुमा बुम करेंगे। हम भी साहब साथ ही बैठे हूं। नहीं बहुत अच्छी बात है, आपकी भावना परिपूर्ण है, ऐसे हमारी शुभकामना सभी आप पुत्र के वती और महात्मा के वती, और दादा भगवान को भी प्रार्थना करें कि भी ये सत्संग आपको कंटिन्यूस मिले जी। स्वामी जी बहुत कृपा है दादा जी की, बहुत कृपा है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। आगे जाए जी, वहाँ वहाँ आपकी देवरानी राह देख रहे हैं। बोलिए मोनिका जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, बोलो जी। अलिस तेरे को प्रश्न आज तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछता रहता है वो। सिलेबस का बाहर का पूछते हैं। जय सच्चिदानंद, बोलो जी, क्या नाम है आपका? आयरिश। आयरिश। अच्छा प्रश्न, मेरा प्रश्न है ये है कि जब मेरी चार्ली दीदी साइकिल चलाती है तो मैं उनसे बोलता हूँ कि मेरे को चलानी है, तो फिर वो नहीं देते,
तो मैं उनको साइकिल नहीं चलाने देता। तो आगे क्या क्या बोले, चावी गिर गई कि क्या बोलती है, क्या मैंने बराबर सुना ही नहीं दिया। चारवी चारवी उनकी बड़ी उनकी दीदी का नाम है चारवी। चारवी चारवी हाँ हाँ क्या बोलते हैं वो चारवी। मैं उनको साइकिल चलाने नहीं देता हूँ। उसको साइकिल चलाने नहीं देते चारवी को। नहीं उनको चलाना होता है तो वो चलाने नहीं देते फिर। हाँ तो उसमें क्या जानना है, उसमें ये जानना है कि मैं मन में ऐसे भाव आए ऐसे नहीं आए कि मैं उनकी साइकिल रोकूं। हाँ आपको ऐसी ऐसी साइकिल नहीं रोके ऐसा भाव करना है, रोकने का भाव नहीं करना है। क्या बोलते हैं तो वो भाव कैसे आए बताइए आप। वो भाव कैसे आए, वो भाव लाना है, लेकिन आपको तो बहुत बहुत कुछ करना पड़ेगा। देखो परेशान नहीं है, सारे घर में पोछा मारने को कहा था वो भी कर दिया। बहुत कुछ करना पड़ेगा, पोछा लगाना तो हो गया। घर में पोछा तो लगाने का है, बात समझ में आने, लेकिन बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं मैंने को बताओ, आप गुस्सा कर सकते हैं। अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है ना, तो मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं होता है। क्या बोलते हैं, अभी मेरी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है तो मेरे को इनके लिए टाइम नहीं मिलता है। बच्चे को टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, वो ऑनलाइन क्लासेस चलता है ना इसीलिए। ऑनलाइन टाइम तो फिर ऐसे करो ने, तो ये गलतियां करना बंद कर दो ने। ठीक है, मेरा आशीर्वाद है ये गलतियां आपकी होती है ना बंद हो जाएगी, ऐसा आशीर्वाद है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए मोनिका बहन, अभी आपका टर्न है। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है अभी माइंड। अरिष्ट ही आपका सबसे बड़ा प्रश्न है। बहुत नॉटी है, बहुत अच्छा है, निकाला से सही है, इसको वो पक्ष में नहीं है, बुरा व्यवहार हो जाता है लेकिन उसके पक्ष में नहीं है। हाँ सही है, इसको भी दुख होता है मन में, वहाँ ठीक है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरबी भी अच्छी पूछिए और ये भी अच्छा पूछते हैं सब। जी सर। और पूछिए अभी कहाँ गए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। गीता बहन अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ गीता जी बोलो। हाँ स्वामी जी, जैसे माना राम भगवान आए थे तो रावण के अहंकार को, देह अभ्यास को और अकर्ता भाव को उन्होंने नष्ट किया, ऐसे ही दादाजी आवाज करती है। गीता बहन आप अपना वीडियो बंद करिएगा ना तो आवाज आएगी ठीक से। आवाज कटती है। हाँ आप बोलिए। मैं ये बोल रही थी कि जैसे रावण के लिए राम आए थे, अहंकार उनका नष्ट किया, देह अध्यास नष्ट किया उनका और अकर्ता भाव उनका लिया, ऐसे ही हमारे लिए भी दादाजी राम ही बनकर आए, मुझे ऐसा लगता है। बराबर है, अच्छी बात है ने? तो आपका अहंकार है कि चला गया, चला गया, चला गया बस, तो अपना काम बन गया ना। और आपको तो आपका तो अहंकार चला गया फिर भी आप जीवित हैं, जिंदा जीते हुए आपका अहंकार चला गया तो एकदम तो बहुत बड़ा बड़ा बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा। गीता जी बड़ा बोला जाएगा। गीता जी जीवित है और अहंकार चला गया यानी देहधारी परमात्मा बन गए लेकिन बाहर नहीं बोलने का। हाँ। और जो परिचय है आपका रिलेशन है ऐसे ही बोलने का।
दादा जी ने आपका अहंकार ममता ले लिया और आपका स्वरूप का ग्रहण करवा दिया, त्याग करवाने का तो त्याग करवा दिया अहंकार ममता का, ग्रहण करने का था जो स्वरूप का वो ग्रहण करवा दिया। बस अभी आपके सामने जो भी व्यवहार आता है मन वचन का अंतस्करण के, वो पांच आज्ञा के दृष्टि से उसको देखना और जानना है। गीता जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में आई। और क्या पूछना है? और ये पूछना था स्वामी जी, जैसे श्रीमद् राजचंद्र जी थे उनको आत्मा अनुभव या आत्म तब तो उनको समझ में आया या प्राप्त हुआ, तो फिर उन्होंने देह से तप क्यों किया था? देह से तप क्यों किया था? वो तप करने गए थे? नहीं, उसने तप नहीं किए थे, वो तो पूर्व का उस तरह का उसका कर्म था, उस हिसाब से उसने किया है। करने की सत्ता किसी को है ही नहीं, तो खाली आरोप करते हैं। कोई भी काल में कोई भी जीव को स्वतंत्र करने की सत्ता नहीं है। गीता जी बात समझ में आया कि नहीं आया? कि वो उदय कर्म के कारण उनको तप आया था, लेकिन तब भी उन्होंने पहले उसका भाव किया होगा तभी तो उदय कर्म में आया ना। हाँ उदय कर्म में आया, लेकिन वो कर किया नहीं था, उसकी रॉन्ग बिलीफ के हिसाब से ये कर्ता बने। रॉन्ग बिलीफ के हिसाब से बात समझ में आने, जो चीज के आप कर्ता पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं थे और आने वाला कल में भी नहीं थे, वो चीज का कर्ता बने, उस हिसाब से कर्म बना और फिर उदय में आया। तो मेरे ख्याल से निमेश आनंद जी ने कुछ बोला था, वो दीपक आनंद जी क्या बोला था, मिटे उदय कर्म नो घर में, वो कही बता ने? धन्य रे, धन्य रे, धन्य रे आ दिवस, अहो मट्यो उदय कर्म नो गर्व रे। मट्यो एटले उदय कर्म का जो गर्व था उसको कर्तापन था, वो निकल गया। ऐसे करने की सत्ता कोई है ही नहीं। गीता जी बात समझ में नहीं? कर होता है उदय से और बोलता है मैंने किया। हेलो, होता है उदय से और बोलता है मैंने किया। H2 और वातावरण इकट्ठा होता है, पानी बनता है, तो आपने बनाया कि बन गया? नहीं, बन गया। तो ये पानी बन जाता है, यानी कोई करने किसी की करने की शक्ति नहीं है, केवल आरोप करते हैं, केवल आरोप करते हैं। तो श्रीमद् राजचंद्र ने कोई ऐसे कर्म या ऐसे तप किया नहीं है, समझ में नहीं है? और आपको वो साइंटिफिकल समझा दिया है। इत्यादि बात समझ में आया कि नहीं आया? तो स्वामी जी यहाँ वो तो मुझे समझ में आया, लेकिन देहाध्यास वाला पार्ट कैसे खत्म हुआ होगा फिर? देहाध्यास चला गया। आप सही मायने में गीता जी है कि भाई रिलेटिव ऊपर से गीता जी हैं? रिलेटिव ऊपर से आप सही मायने में करता है कि व्यवस्थित शक्ति करता है? करता तो स्वामी जी व्यवस्थित शक्ति ही थी, पर यहाँ विज्ञान का लॉजिक विज्ञान कहाँ फिट हुआ था, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। ये आवाज कटती है गीता जी? ये तो ठीक था कि उदय कर्म के कारण ऐसा हुआ। हाँ उदय कर्म के हिसाब से, यानी जो उदय कर्म के कर्ता बनते उसको देहाध्यास बोलते हैं। हाँ। और उदय कर्म के कर्ता नहीं बनते, आरोप नहीं करते, उसको देहाध्यास छूट गया। अपना अक्रम विज्ञान से पूरा देहाध्यास छूट गया है, क्रमिक के हिसाब से नहीं करना है अपने को, और क्रमिक के हिसाब से देहाध्यास आपको छोड़ना है तो अक्रम विज्ञान वापिस दे दो। नहीं नहीं अक्रम विज्ञान वापस नहीं देना स्वामी जी। तो फिर वो क्रमिक और अक्रम दोनों आइडियोलॉजी अलग है? अलग है, ये तो ठीक है कि अलग है, समझ में आने, दोनों अलग है। जैसे गुजराती लैंग्वेज अलग है और हिंदी लैंग्वेज अलग है कि नहीं है? अलग अलग है। तो आप अपने दादा का ज्ञान लिया, यानी दरअसल देहाध्यास चला गया,
अभी चारित्र मोह रूपी देहाध्यास है, यानी इसमें आप नहीं है, निश्चेतन चेतन हाँ। वाला भाग है, चेतन वाला भाग हाँ, नहीं हाँ, है। बात समझ में आया कि नहीं? वो दोनों मिक्स नहीं हाँ, करने का, अब पढ़ो जानो, दोनों मिक्स करने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। बात समझ में आया नहीं है? ये तो क्या होगा कि ये अहमदाबाद का पानी है या बड़ौड़ा का पानी है और अलवर का पानी, दोनों तीनों चेक करो, दोनों का सब तीनों का अलग अलग आएगा टेस्ट आपको। और उसका, उसके अंदर टीडीएस देखना, वो देखना, सब अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। तो उसको मिस नहीं करने का, आपको अच्छा लगता है तो पढ़ो जानो, बस उससे आगे नहीं जाने का, उसका कंपैरिजन नहीं करने का, उस तरह से स्वाध्याय आराधना नहीं करने का। ठीक है, दरअसल आपका देहाश्वास चला गया है, दरअसल चला गया। अभी पांच आज्ञा के रूपी पांच आज्ञा का उपयोग करके अपना अपना व्यवहार देखेंगे, जानेंगे, तो चारित्र मोह वाला भी देहाश्वास निकल जाएगा। दूसरा और मार्ग नहीं है, यहाँ दूसरा कोई धर्म का आराधना करो बाकी का देहाश्वास निकले, ऐसा नहीं है। बराबर, जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। गीता बहन क्लियर? जय सच्चिदानंद। जय बेजान जी, त्रिमंत्र बोला है, गीता बहन आप फॉलो करेगा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सर्वसाहुणम, नमो लोये सर्वसाहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सर्व पाव पणासनो, सर्व पाव पणासनो, मंगलानं च सर्वेसिं, मंगलानं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।